हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते आप सभी लोगों को। मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे, तो आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नेहा जी कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हैं नए, तो आप लोगों को बता दूँ, तो मैं नहीं बताऊँगी, अपनी मम्मी से पूछूँगी जाके कि हमारी मम्मी जी कहाँ पर जा रही हैं हमको लिवा करके। पहली बार जा रहे हैं ना, इसलिए तो मम्मी ये रही हमारी मम्मी जी। तो कहाँ पर जा रही मम्मी, बताओ। हमारी हम अपने नंदोई घर जा रहे हैं, उनकी नातिन की गोद भरी जाए, हमारे भाना जी की बिटिया की। अच्छा, तो कबे कल भरी जाए। हाँ, एक दिन पहले बुलाओ तो बिन्ने। अच्छा, एक दिन पहले बुलाया था और का। चलो चल के। तो ये रहे हमारे पापा जी। फ्रेंड्स, पापा तुम नहीं चले हो? हम नहीं जाए, पर घर है कौन रहे है? हाँ, जो बात सही है, फिर घर पे कौन रहे है? परियां जी परेशान करें। हाँ, रजित जाइए रहे संग। और का? हाँ, रजित जा रहे है संग। रजित हाँ। क्या कर रहे? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आप सब हमारे ख्याल से ठीक ही होंगे। हाँ। हम कुछ नहीं, गाड़ी पहुँच रहे थे जाने के लिए। हम ना चले दीदी? हाँ, तुम कहे नहीं चले, हम कहा फिर अकेले जाए। तो जा ले चाबी, चले जाओ। चला लेते तो तुम तक आते नहीं, मम्मी को बैठाते फिर सीधे। तभी जा रहे हैं ना, हम जाते नहीं ये लोग। तो मैंने बोली बसते जाओ, तो मम्मी बोल रही हमको घूम लगा था कि हम नहीं जाए बसते, इसीलिए हाँ। लिवा कर जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, चलेंगे वहाँ पर, दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा क्या है आप लोगों को। और क्या, आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज तो गोद नहीं भरी जाएगी, कल गोद भरी जाएगी, तो तभी आप लोगों को अगले ब्लॉग में मैं दिखाऊँगी। टीना दीदी, हाँ। चलो तुम नहीं चले, हम तो जा रहे। अब तुम घूम भी आओ, हम घर रही हैं, पापा अकेले रही हैं, खाना ना तो उनके लिए बनाते रहे, तुम घूम भी आओ जब। अच्छा। तुम अकेली रहती हैं और क्या। अब वर्षा दीदी कहाँ गई? वर्षा हुई है, वर्षा कहाँ भी चले हो तुम? हमारे संग मामा बड़ी वाली मौसी आएंगी, रामा मौसी घर पे चले हैं। अरे के मौसी जा रही है, कह दो हम मम्मी के पास रही हैं, बाय कर दे। बाय वर्षा दीदी, चलो हम तो जा रहे। तुम जाओ, चला तुम यार का, कब से तो बोल रहे हैं हम तैयार है। रमी दीदी तुम चलो, तुमने कही तुम चली जाओ है। तुरंत नहीं, कल तो तैयारी बना रही हमने। कितने पहले तो बोली, बहुत पहले तो बोली। क्या मम्मी बोली नहीं? हमने की सभी लोग चली हो। मम्मी बोली थी? हाँ मम्मी बताए दी है। मम्मी बिटी कहीं गिर सकती, हमें लगा था। हाँ मम्मी बिटिया नहीं, गाय नहीं गिरे, यार किनके गाय गिरे, तुम्हारे गाय है। ऐसी बात नहीं, सबसे बोली तो घर में रहना किसी का जरूरी है। हाँ, तो तभी तो घर खाली हो जाएगा, इसलिए तो जा कह दे मेरे लिए। चलो ना ना, हम तो जा रहे काव्या। बाय। हाँ लेके आइए चिज्जी। कहे तुमने कोट जो घर है नहीं पहन पाओ, गाड़ी बैठक पहन रही है। देख लो मम्मी बहरा निकल के पहन रहे, गाड़ी बैठक एक्शन ज्यादा दिखाते था कि वहाँ भूले जाते बर रही सब बन गया थी। और चले तुम चलाओ, जा हम तो नहीं जा रहे। तुम नमस्ते कहीं जा बताओ, बैठो वहाँ। चलो हम जा रहे हैं, बाय। तो आप पहुँचे भैया के घर, गाँव में आ चुके हैं।
तो फ्रेंड हम आ चुके हैं भैया के घर पे, लगता है कोई नहीं है, है ना मम्मी? सब मिले हैं घर बिटिया, अंदर होंगे। ये बड़ा वाला भाई का घर है और रजित। हाँ, तो चलो छोटे भाई के घर चलते हैं। चलो है तो पास में, मतलब दीवार है बस लुआ दे। अब ले हम भैया जी को प्रचार करें, बाल्टीन में कहाँ लेके आ जाए? रिफंड है। अच्छा, और लोग कहाँ गए सब लोग? और लोग दुकान पे सौदा ले रहे। अच्छा जी, देखो हमारी भाभी जी है, और कहाँ पे गई तुम? हम देखो तुम्हारे घर पे कोई नहीं, मेहमान आएगा पहले। कोई नहीं तो और का। ये हमारी भाभी की बहू है, हमारी बड़ी वाली। अच्छा, और का। अजी हमारी भाभी जी है। तो हम आ गए छोटे वाले भाई के घर पे। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ नेहा दीदी कहाँ पर हैं, क्या कर रही हैं। जाता हूँ नेहा दीदी के पास। ये रही नेहा दीदी। नेहा दीदी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बस टहल रहे हैं, देख रहे हैं। तो तुम्हारा वीडियो शूटिंग करने का मन होता होगा यहाँ पर? हाँ, और क्या, मैंने सोची कि वीडियो ही बनाए लेता। अच्छा, तो सही है। हाँ, और ये भी सोच रहे हैं मैंने कि घूम लें गांव का नज़ारा, देख लें क्या है क्या नहीं। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं? हमको तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे फ्रेंड्स लोगों को भी दिखा दो जहाँ पर हम आए हैं, उस गाँव का नज़ारा क्या है क्या नहीं। हाँ, फ्रेंड्स लोगों को जरूर दिखाएंगे। तो यहीं पर रहोगी तुम? यहाँ तो नहीं रह पाएंगे क्योंकि परसों घर पे चलना पड़ेगा इसलिए। अच्छा, तो आज तो गोद भरी नहीं जाएगी, आज तो मिठाइयाँ बनेगी ढेर। हाँ, सारी। तो आप खाओगी मिठाइयाँ लगता है, ऐसे बोल रही है। हाँ, जब आए हैं तो मिठाई खा के ही जाएंगे। बात तो सही है, सही है। तो अपने फ्रेंड्स लोगों को भी खिलाएंगे। अच्छा। क्या क्या मिठाइयाँ बनती है ना इसलिए। तो अब आज तो गोद भराई की रस्म है नहीं, और कल गोद भराई की रस्म होगी तो भी आप फ्रेंड लोगों के लिए दूसरा ब्लॉग बनाएंगे इसलिए। तब परसों घर पे चलेंगे। अच्छा रहेगा। और क्या, फिर रामा दीदी है वो भी, तो उनके घर पे जाना पड़ेगा। हाँ सही बात है, वो भी बुलाती रहती हैं। वो दीदी हमारी अकेली पड़ जाती हैं फुलैया में, और सब लोग कहीं दो तरियन में, दो कठौतिया में दो दीदी हैं, तो मतलब वो अकेली रह जाती हैं फुलैया में। तो दीदी बोलेगी यहाँ पर आई है मुझे, मैं घर पे नहीं आई है घूमने के लिए। सही बात है। घर पे भी चलेंगे तो फ्रेंड्स लोगों को भी दिखाएंगे हमारी सबसे बड़ी वाली दीदी कौन है कौन नहीं है, तो हमारे जीजा जी। हाँ, तो दोस्तों ये रहा गांव का नज़ारा ऊंचे का, देख सकते हैं आप लोग, यही है बैकग्राउंड ऊंचे का। देखो कितने हरे भरे पौधे बौड़े खड़े हैं ना। ये नेहा दीदी देखो कितने बढ़िया बढ़िया फूल हैं। हाँ सही बात है नेहा दीदी, हमको लगता है वहाँ पर मिठाइयाँ बन रही हैं, है ना? हाँ, तभी सारे लोग हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर रसगुल्ले बन रहे हैं, ये देखिए मिठाइयाँ बन चुकी हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड हम चलते हैं, आप लोगों को अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और आप लोग नया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी हमारी वीडियो, है ना रजत? हाँ सही बात बोल रही है दीदी, जरूर कमेंट में बताना कैसी लगी हमारी वीडियो। नेहा दीदी तब तक के लिए बाय।